हेलो दोस्तों, अगर आप प्ले स्टोर में जाते हैं, प्ले स्टोर में जाने के बाद किसी भी ऐप को डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके सामने कुछ इस तरह का प्रॉब्लम शो होने लगता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है इंस्टॉल ऑन मोर डिवाइस। कहने का मतलब आपके डिवाइस के अलावा किसी और का डिवाइस यहाँ पर शो हो रहा है और आप चाहते हैं मेरे डिवाइस के अलावा किसी और का डिवाइस यहाँ पर शो ना हो। इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इसी वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यह प्रॉब्लम आपके फ़ोन में क्यों शो हो रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यही वाला अकाउंट जो अभी प्ले स्टोर पर लॉगिन है, ये वाला अकाउंट दूसरे फ़ोन पर लॉगिन है, तभी यह प्रॉब्लम आपके सामने शो हो रहा है। शायद ऐसा भी हो सकता है, यही वाला अकाउंट आपके घर वाले किसी भी फ़ोन पर लॉगिन हो सकता है, तब जाकर यह प्रॉब्लम आपके सामने शो हो रहा है। लेकिन आपको कैसे जानना है, इसके लिए आपको अपने उसी वाले जीमेल अकाउंट को प्ले स्टोर पर लॉगिन कर लेना है जिसमें यह प्रॉब्लम हो रहा है। फाइनली मेरा ओपन ही है, मैं अपने लोगों पर क्लिक कर दूंगा। लोगों में क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैनेज योर गूगल अकाउंट में क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर कर दूंगा अपने खुद की सिक्योरिटी के लिए। फाइनली आपको नीचे आना है और कुछ भी नहीं करना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं योर डिवाइस, इस तरह का आपको एक सेटिंग मिलेगा, इसी के अंदर आपको आ जाना है। जैसे ही आप इसमें टाइप करेंगे तो यहाँ पर आप लोग अपने आंखों के सामने देख सकते हैं मेरे इसी वाले अकाउंट में दो डिवाइस लॉगिन है। कहने का मतलब यही वाला जीमेल अकाउंट किसी और डिवाइस में लॉगिन है, इसीलिए यह प्रॉब्लम शो हो रहा है। फाइनली आपको करना क्या है, आपके डिवाइस के अलावा किसी और का डिवाइस अगर शो हो रहा है तो वहाँ पर आपको टाइप करना है, जैसे कि मैंने टाइप किया। टाइप करने के बाद यहाँ पर साइन आउट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फाइनली आपको साइन आउट कर देना है, इसके बाद आपका प्रॉब्लम शो हो जाएगा। मैंने आपको पहला तरीका बता दिया। अगर इसके बाद भी यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो फाइनली आपको अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड ही चेंज कर देना है। पासवर्ड चेंज करने के लिए सबसे पहले सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में आ जाना है, थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे नीचे में पासवर्ड शो हो रहा है, इसी में आपको क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद फाइनली यहाँ पर आपको ट्राई अनदर वे में क्लिक कर देना है, ठीक है। ट्राई अनदर वे में क्लिक करने के बाद या फिर फिंगर लगाने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होने लगेगा। यहाँ पर आपको अपना न्यू पासवर्ड डालना है और सबसे नीचे वाले में यहाँ पर आपको कंफर्म पासवर्ड डालना है और यहाँ पर चेंज पासवर्ड में क्लिक कर देना है। आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा इस जीमेल अकाउंट का और इसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर इसके बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो फाइनली आपको पूरा कर मारना है। फाइनली दोस्तों, होम पेज में आ जाना है। यहाँ पर आपको अपने क्रोम वाले ऐप को ओपन करना है। क्रोम वाले ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको प्ले स्टोर सर्च कर देना है। प्ले स्टोर सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर में थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पर इस वाले वेबसाइट में आपको क्लिक करना पड़ेगा, मतलब कि लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एंड्रॉयड ऐप ऑन गूगल प्ले, इसी में आपको लॉन्ग प्रेस करना है। फिर इसके बाद ओपन इन न्यू टैब इन ग्रुप में क्लिक करना है। फिर आप सबसे नीचे में देख सकते हैं एक छोटा सा प्ले स्टोर शो हो रहा है, इसी में आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना उस वाले जीमेल अकाउंट को लॉगिन करना पड़ेगा जिसमें आपका यह प्रॉब्लम शो हो रहा है। जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मेरा लोगो दिख रहा है, इसमें मैं क्लिक करूँगा। और फाइनली यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे नीचे में साइन आउट के ऊपर स्विच अकाउंट का ऑप्शन मिल रहा है, इसी में आपको क्लिक करना है। और फाइनली आपका सारा जीमेल यहाँ पर शो होने लगेगा, आपके फ़ोन में जितना भी सारा जीमेल है, और इनमें से आपके कौन से जीमेल में यह प्रॉब्लम हो रहा है उस जीमेल को यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। तो फाइनली मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से वही काम करना पड़ेगा, फिर से अपने उसी वाले जीमेल अकाउंट के लोगो पर क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लाइब्रेरी एंड डिवाइस में क्लिक करना है। अब इसमें क्लिक करने के बाद फाइनली मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक डिवाइस की सेटिंग मिलेगी, यहाँ पर देख रहे हो, डिवाइस में आपको क्लिक कर देना है। डिवाइस में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फाइनली ये प्रॉब्लम अभी ही सोल्व होने वाला है, अभी अभी। तो यहाँ पर देख सकते हैं सैमसंग एस जो भी है मॉडल, जो भी डिवाइस है, यहाँ पर टिक मारा हुआ है, इसी को आपको क्लिक कर देना है। फाइनली ये टिक हट जाएगा। फाइनली ये सेटिंग अपडेट हो चुकी है। अब फाइनली इसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। आपको एक काम करना है, कट मारने के बाद आपको आना है प्ले स्टोर को लॉन्ग प्रेस करना है। ऐप इन्फो के अंदर आने के बाद आपको फाइनली प्ले स्टोर को क्या करना है, क्लियर ऑल डाटा मार देना है। क्लियर ऑल डाटा मारने के बाद फाइनली अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको उसी वाले जीमेल अकाउंट को यहाँ पर लॉगिन कर लेना है जिस जीमेल अकाउंट में आपका प्रॉब्लम। मैं अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन कर लिया हूँ, ओपन कर लिया हूँ। अब देखता हूँ क्या प्रॉब्लम वही शो हो रहा है या नहीं। फाइनली मैं उसी ऐप को ओपन करा, देख सकते हो फाइनली कुछ भी शो नहीं हो रहा है। सीधा इंस्टॉल करो, डाउनलोड करो, किसी भी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यह प्रॉब्लम आपका 100% सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी ऐप को मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ,
फाइनली किसी भी ऐप में अब दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइनली ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो अब तो लाइक कर दो यार, फाइनली आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और दोस्तों इसके बाद अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद आल वाला घंटा जरूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप हमारी न्यू नॉलेजेबल वीडियो पाते रहेंगे। तो आल वाला घंटा दबाना मत भूलना। और दोस्तों आपको किस तरह की वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फाइनली इस वीडियो में इतना ही और मुझे उम्मीद है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। अगर नहीं सॉल्व हुआ है तो फाइनली आप इसी वीडियो पर अभी कमेंट कर दो। मुझे उम्मीद है कि आपका यह प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो चुका है। तो चलिए गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।